हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यू बायोमेट्रिक लिस्ट के बारे में। जिनके भी मतलब रिजल्ट में RLB लिखा आ रहा था, उनके लिए न्यू बायोमेट्रिक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शायद 2000 से ऊपर के कैंडिडेट हैं। तो मैं ये जो बायोमेट्रिक लिस्ट है ये टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप जो HBSC हमारा जो बोर्ड है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका उसमें रोल नंबर है या नहीं। एंड देन आप वहां पर जाकर, शायद आपको हरियाणा बोर्ड में ही जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर आप अपनी दोबारा से बायोमेट्रिक्स डन करा सकते हैं। अभी मैं आपको सारी PDF दिखा देती हूँ। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज मुझे आपको देनी है OMR शीट के बारे में, ये भी आपको PDF के थ्रू बता दूंगी। अगर आपको अपनी OMR शीट चाहिए है, अगर किसी को देखनी है, तो आप वहां पर 100 रुपीज जमा करा के अपनी OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें शायद कोई तारीख का टाइम दिया गया, कुछ लिमिटेड टाइम दिया गया, तो अभी मैं आपको PDF के थ्रू बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में भी बने रहे, अभी आपको देखने को मिलने वाली है PDF के जो ये बायोमेट्रिक लिस्ट है, इसको यहाँ पर अपलोड किया गया है हरियाणा बोर्ड की साइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 पेजेस की PDF है। आप अपना यहाँ पर रोल नंबर वगैरह मतलब सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप अपना नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले Level 2 के कैंडिडेट दिए गए हैं, इसके बाद आपको Level 2 एंड Level 3 के कैंडिडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस PDF को पूरा देख लीजिएगा, आपका शायद इसमें नाम हो सकता है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो पहली न्यूज़ आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं सेकेंड PDF आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको OMR शीट के बारे में बताऊँगी कि आप अपनी OMR शीट को कब तक डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो ये बायोमेट्रिक्स है ये 21 और 22 तारीख को होगा, तो आप अपना देख लेना, ठीक है ना। और ये हरियाणा बोर्ड में जाकर आपको दोबारा से वेरिफिकेशन कराना होगा, एंड देन इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको ये दोनों तारीख ध्यान रख लेनी है, कल और परसों में आप कभी भी जा सकते हैं और अपना बायोमेट्रिक्स आपको डन करा के आना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।